राजस्थान सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर नजर आई। प्रदेश में उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल से उद्योग लगाने के सारे मापदंडों की पूरी जानकारी मिलेगी। सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह सरकार का क्रांतिकारी कदम है। आने वाले समय में प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया जा सकता है और साथ ही सरकार नई औद्योगिक नीति भी बनाने जा रही है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिसर्जेंट्स राजस्थान पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इस मौके पर सीएम ने उद्योगपतियों से संवाद भी किया और इस मौके पर मंत्री परसादी लाल मीणा और साथ ही विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जो हम चाहते थे उस रूप में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। असेंबली आ रही है उसमें हम लोग इसको कानून का रूप देंगे, पर ये बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसमें युवा वर्ग के लिए अनेक अवसर मिलेंगे, उसका टेंशन खत्म होगा। अभी तो आप देखते हैं कि कोई सोचता भी उद्योग लगाना तो पहले टेंशन होता है कि तमाम परमिशन लो, लाइसेंस लो, और जिस रूप में वो परेशान होते हैं तो आधे लोग तो छोड़े चले जाते हैं। ये जो छूट दी गई कि 3 साल के अंदर अंदर आराम से परमिशन लो जब चाहो तब, एक पोर्टल में आप इतला करो, एक्नोलेजमेंट आएगा, आप अपना काम शुरू करो। तो इस रूप में आपको अभी जो सुबोध अग्रवाल जी बता रहे थे कि ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, क्योंकि देश का पहला राज्य है जिसने ये एक्ट लाए हैं, ये एक्ट लाया जाएगा और ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। फॉर्चुनेटली हमारे जो अभी पिछले चुनाव के अंदर हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, पर इस हमारे मैनिफेस्टो था केंद्र का, उसमें भी राहुल गांधी जी ने इस पर स्पष्ट दिया कि MSME का ऐसा कानून बने जिसके माध्यम से युवाओं को तकलीफ नहीं हो और इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आ सके। जो हालात देश के अंदर है उसकी मुझे चिंता है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर है। मंदी का दौर चल रहा है देश के अंदर, पिछले 5 साल में कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं, और दौर जो आंकड़े थे NSSO के, जिसके माध्यम से तमाम डिपार्टमेंट की स्कीमें बनती है, उन आंकड़ों को भी छिपाया गया और ये स्थिति बन गई कि जब वो लीक हो गए तो उसको झूठा साबित करने का प्रयास किया गया, जबकि सरकार बनने के बाद में अब वही आंकड़े वित्त मंत्रालय स्वीकार कर रहा है। आय की बिजली हम ले, जो भी बेकार फिजूल खर्च जाती है निगम की भी, उस बिजली का रेट डिफरेंस होना चाहिए। ये आपसे उद्योग विभाग की ओर से अनुरोध है। उद्योगों का वातावरण एकदम आपके नेतृत्व में, अगर लाइट की बिजली का रेट अलग हो गया तो समझेंगे वातावरण बनेगा यहाँ पर, तो दूसरे स्टेट में चले गए लोग, बेंगलोर, तेलंगाना, वो वापस यहाँ पर शिफ्ट होंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग पधारे, हमारे उद्योगपति भी, आप सबसे अनुरोध है कि आप राजस्थान में सरकार के साथ पूरा सहयोग सरकार करेगी, आप भी उद्योग यहाँ लगाए, ऐसा वातावरण आप